हेलो फ्रेंड्स, बहुत दिनों से मैं अपनी घर की सिक्योरिटी के बारे में चिंतित था। तो उसके लिए मैं अपने घर में सीसीटीवी लगवाना चाह रहा था, मगर सीसीटीवी कैमरा लगवाने में काफ़ी झंझट रहता है और उसमें वायरिंग वगैरह करनी पड़ती है। सीसीटीवी काफ़ी कॉस्टली भी होता है, तो मैंने एक कैमरा ऑर्डर किया है, ज़ियोमी का 360 होम सिक्योरिटी कैमरा है। इसके अंदर मुझे ये जो डिलीवर हुआ है उसके अंदर ये एक कैमरा है, ये पूरा 360 रोटेट कर सकता है। साथ में इसमें यूएसबी केबल विद अडेप्टर दिया हुआ है और एक वॉल माउंटिंग के लिए एक पैनल दिया हुआ है। तो ये चीज़ें मुझे इसके इस बॉक्स के अंदर मिली हैं और इसको अभी मैंने इंस्टॉल नहीं किया है। इसे मैं अपने बालकनी के अंदर इंस्टॉल करूँगा और उसके बाद भी मैं आपको ये दिखाऊँगा कि ये मतलब मेरा जो बेसिक पर्पज़ है उसको सॉल्व कर रहा है या नहीं कर पा रहा है। इसको इसके साथ हमें एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा मोबाइल के अंदर, जिसके अंदर हम इसकी फीड्स ले पाते हैं। बाकी मैं आपको ऐप्स दिखा देता हूँ। ये ऐप है, ये आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और इसके थ्रू इस कैमरे को आप रोटेट भी कर सकते हैं और इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो इस कैम को आपको कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको प्ले स्टोर से ज़ियोमी होम ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसके बाद जो मैनुअल के अंदर जो क्यूआर कोड दे रखा है उसकी और इस बॉक्स में एक क्यूआर कोड दे रखा है उसकी भी ज़रूरत पड़ती है इसको कनेक्ट करने के लिए। तो अब आपको मैं इसके फंक्शन दिखा दे रहा हूँ कि ये किस तरीके से दिख रहा है। इस ऐप को मैंने ओपन किया, मैंने ऑलरेडी इस डिवाइस को कॉन्फ़िगर किया हुआ है। अब इस तरीके से मुझे कैमरा इसके डैशबोर्ड पर दिख रहा है। अब इसको मैं ओपन करता हूँ तो मुझे कैमरे की लाइव फीड दिखने लगेगी, ये इस तरीके से कुछ दिखाई देता है। इसके अंदर एक साइड में आपको जॉयस्टिक दिख रही होगी जिसकी हेल्प से मैं इसको कैमरा को रोटेट कर सकता हूँ इस तरीके से। जैसे जैसे मैं जॉयस्टिक को मूव करा रहा हूँ तो कैमरे का फिजिकल मूवमेंट भी हो रहा है। इसके साथ साथ इसके अंदर टॉक का एक फीचर दे रखा है कि मीन्स इस कैमरे के थ्रू हम बोथ वे टॉकिंग कर सकते हैं। जैसे अभी इस तरीके से मैं इसमें कुछ बोलूँगा तो मुझे वो कैमरे के अंदर भी सुनाई देगा। हेलो, तो मेरी आवाज़ मुझे कैमरे के अंदर भी सुनाई दे रही है। इसके अलावा इसके अंदर इस तरीके के ऐलान फीचर्स हैं जिसके द्वारा आप घर की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। उसके अंदर आप उसे टाइम भी सेट कर सकते हैं कि आपको मॉनिटरिंग राउंड द क्लॉक चाहिए या आपने इस टाइम को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो ये सारे इसके बेसिक फंक्शंस हैं और ये मैंने अमेज़न से ऑर्डर किया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जब मैं इसको अपनी बालकनी में इंस्टॉल करूँगा तो उसके बाद भी मैं आपको इसका परफॉर्मेंस और उसके बारे में बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, ये अब कैमरा इंस्टॉल हो चुका है और इस तरीके से इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर मैंने इसको इंस्टॉल कराया है और ये प्रॉपरली वॉल पर लग गया है। अभी मैं इसकी आपको फीड दिखाता हूँ। चलिए, मैं इस ऐप से अब आपको इसकी लाइव फीड दिखाता हूँ जो कैमरा मैंने बाहर इंस्टॉल कर रखा है।
ये देखिए, इस वक्त मैं इसको देख पा रहा हूँ और ये बिल्कुल क्लियरली पूरा बाहर का पूरा व्यू कवर कर रहा है और इससे मेरा ओवरऑल पर्पस सॉल्व हो पा रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप अपना डिसीज़न लेने में इससे आपको हेल्प मिलेगी। तो थैंक यू।